Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई। उस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह अभी भी लापता है। इस बीच बलिया से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी को लेकर बयान दिया है। विधायक ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, धीरेंद्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जन लोग मार दिए गए होते। जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे पक्ष की बात भी करें। बलिया विधायक ने कहा, अगर आरोपी ने गोली चलाई तो आत्मरक्षा में चलाई है, यह अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस मिलती है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। गौरतलब है कि इससे पहले बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने ही बयान दिया था कि आरोपी धीरेंद्र सिंह उनका सहयोगी है। विधायक के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उसने पार्टी का सहयोग किया है, ऐसे में मैं कैसे कह दूं कि वो मेरा सहयोगी नहीं है। आपको बता दें कि बलिया के दुर्जनपुर गांव में कुछ अफसरों के सामने ही दो गुटों में हिंसा हुई। इस दौरान फायरिंग शुरू हुई और एक शख्स की मौत हो गई, जिसका आरोपी धीरेंद्र सिंह पर लगा है। धीरेंद्र सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी हैं और चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते वो यहां से भाग निकला है। हालांकि स्थानीय डीएम का दावा है कि पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है और अभी तक इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। गोलीकांड के मामले में कुल 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बलिया में सरेआम बड़े अफसरों के सामने इस प्रकार की गोलीगारी हुई, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो योगी सरकार की जो पुल है और जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।